गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आज फिर निफ्टी लेवल्स पर भी हम नज़र डालेंगे। आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं और इन स्टॉक्स को आप होल्ड भी कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। इसके अलावा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर डेली स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशंस एंड ऑल्सो अपडेट्स। सो शुरू करते हैं ये वीडियो इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 22,000, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,930, पहला रेजिस्टेंस है 22,200 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,300। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 46,280, दूसरा सपोर्ट लेवल है 46,050, पहला रेजिस्टेंस 46,800 और दूसरा रेजिस्टेंस इंट्राडे का 47,050। इसी के साथ आज फिनिफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे है, सो फिनिफ्टी के लेवल्स भी हम देख लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 20,500, दूसरा सपोर्ट लेवल है 20,420, पहला रेजिस्टेंस है 20,700 और दूसरा रेजिस्टेंस है 20,780। चलिए अब देखते हैं 5 स्टॉक के रिकमेंडेशन। आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। आज के लिए सबसे पहला हमारा रिकमेंडेशन है GSL। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 662 पर। स्टॉप लॉस 639 रख सकते हैं, पहला टारगेट 685 और दूसरा टारगेट 705 पर रख सकते हैं। इसके अलावा है सिगाशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 90 पर। स्टॉप लॉस 86 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 94 और दूसरा टारगेट 98। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर हायर टॉप एंड हायर बॉटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 542 पर। स्टॉप लॉस आप 520 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 565 पर रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 585। नेक्स्ट स्टॉक इज वाबाग, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं आप इस स्टॉक को 800 पर। स्टॉप लॉस 768 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 832 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 864। अगला स्टॉक है PNC इंफ्रा, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 447 पर। स्टॉप लॉस 430 रख सकते हैं, पहला टारगेट 464 और दूसरा टारगेट 480 पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, जिसमें कि मैराथन वेंटा 4.1%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, इंडस्टार वेंटा 5% एंड जाइडस लाइफ वेंटा 2.7%। चलिए अब क्विकली नजर डाल लें स्टॉक से न्यूज पर, जिसमें आज बात करेंगे कैनरा बैंक विप्रो और MCX के बारे में। कैनरा बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है फॉर स्प्लिट ऑफ ईच शेयर इनटू 5 शेयर। ये मूव लिया गया है टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक शेयर एंड टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो टू ब्रॉडन द रिटेल इन्वेस्टर्स बेस। इसके अलावा विप्रो की बात करें तो विप्रो और नोकिया इन्होंने लॉन्च किया है एक जॉइंट 5G प्राइवेट वायरलेस सॉल्यूशन टू हेल्प एंटरप्राइजेस स्केल देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX की बात करें तो MCX एंड जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज ने साइन किया है एक MOU टू एनहेंस कोलैबोरेशन इन की एरियाज, जिसमें इंक्लूड होता है नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस क्रिएशन एंड अदर मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशन्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।